नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। पूरे हरियाणा में 1983 पीटीआई का जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। पीटीआई टीचरों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद हटाने के बाद जो पीटीआई टीचर हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला स्तर पर सचिवालय में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैथल के सचिवालय में जो जिला लेवल पर किसान संगठन भी आए हुए हैं और पीटीआई टीचर के समर्थन में यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज हम आपको उस पूरे मामले की जानकारी बताएंगे जो 1983 पीटीआई टीचरों को किस मामले में बर्खास्त किया गया और क्यों बर्खास्त किया गया, इसके पीछे सच्चाई क्या है। तो हमारे साथ कुछ पीटीआई टीचर हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। हमारे साथ एक पीटीआई अध्यापक हैं जी, क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार डी। तो राजेश कुमार जी, डेली हरियाणा न्यूज़ पर पहले तो आपका स्वागत है और आज हम अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पीटीआई टीचरों का धरने प्रदर्शन चल रहे हैं पूरे हरियाणा में, जो सरकार की नाक में दम किया हुआ है, ऐसा कहें कि आप अपने हकों की लड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका कि आप इस संकट की घड़ी में हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में एक अहम अपनी भूमिका निभा रहे हो, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और हम आपका तय दिल से धन्यवाद करते हैं और तमाम उम्र आपके आभारी रहेंगे। जैसे कि आपने सवाल किया कि भी नाक में दम कर रखा है, जाहिर सी बात है जो रोज़गार जाना होता है वो एक मौत से भी बढ़कर होता है, क्योंकि मौत में केवल एक ज़िंदगी खराब होती है और जिसका रोज़गार चला जाता है वो तीन पीढ़ियाँ उसकी ख़त्म हो जाती है। जिन्होंने हमारे पेरेंट्स ने मेहनत मजदूरी करके हमारे को पढ़ाया लिखाया, एक सपना देखा कि हमारे बच्चे भी कभी सरकारी नौकरी पे होंगे और हमने भी दिल लगा के मेहनत की और उस मुकाम तक पहुँचे भी, आज उनके ऊपर जब ये फैसला आया तो उनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है जी। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे हैं, उनको ये दुख देखना पड़ रहा है कि आज हमारे बच्चे जिन्होंने हमारी मेहनत मजदूरी करके हमने पढ़ाया और वो आज सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे हैं। एक वो पीढ़ी गई, एक हमारी गई जी। जो हमने 18 साल 19 साल मेहनत करके दिल लगा के पढ़ाई की जी। और एक हमारे बच्चों की, क्योंकि हमारे बच्चों का भी आगे भविष्य अंधकार में है। 2010 की ये भर्ती है और 2020 के अंदर फैसला आता है, किस प्रकार का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का कि किस प्रकार से हटाया जाए, क्या जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की और माननीय हाई कोर्ट की? जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं और आगे भी आज भी आपको मैं बता रहा हूं कि 2006 में 1983 पीटीआई की स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई थी और 2007 में हमारा एक रिटर्न टेस्ट भी लिया गया था 200 नंबर का और उसमें पेपर लीक होने की वजह से या प्रशासनिक बहुत सी खामियाँ उसमें रहीं, उसकी वजह से उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद 2008 में सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया जी। 20,836 कैंडिडेट सभी ने अपना ईमानदारी से इंटरव्यू दिया और 2010 में हमारी लिस्ट आउट हुई और 1983 पीटीआई की सिलेक्शन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई। सभी ने अपना मेहनत करके पेपर भी दिया, मेहनत करके अपना इंटरव्यू भी दिया, मगर जो कैंडिडेट नॉन सिलेक्टेड थे, जो सिलेक्शन नहीं हो पाई उनकी, जब तक ये प्रक्रिया चलती रही तब तक उन्होंने कोई भी इस पे सवाल नहीं उठाए, मगर जब वो रह गए तो उन्होंने हमारे खिलाफ याचिका दायर कर दी माननीय हाई कोर्ट में और उन्होंने तरह तरह के ब्लेम हमारे ऊपर लगाए, मगर हमारे माननीय वकील साहब ने वो सारे के सारे जो थे सॉर्ट आउट कर दिया उन चीज़ों को। उसमें जो मेन जो इशू निकल के आया, जिस पे भर्ती पूरी की पूरी को एक केंद्र बिंदु मानकर भर्ती क्वेश्चन की गई कि जब एडवर्टाइजमेंट निकली तो उसमें 25 नंबर का इंटरव्यू था जी, मगर ड्यूरिंग द प्रोसेस उसको 25 की बजाय 30 कर दिया गया जी। जबकि हमारे 20,836 कैंडिडेटों में किसी को ये नहीं पता कि हमारा इंटरव्यू कितने का था जी। हमें तो जब हमारी लिस्ट आउट हुई तो उसमें जो दिया गया, दर्शाया गया, तो उसमें ये चीज़ कही गई कि भी आपका 60 नंबर का एकेडमिक और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू से हुआ। तो जो नॉन सेलेक्टेड थे उन्होंने हमारे खिलाफ याचिका दायर कर दी कि भी इनका जो क्राइटेरिया है वो चेंज किया गया है जी। तो ये कैंडिडेट के द्वारा तो किया नहीं गया जी, जबकि हमारे को पता ही नहीं है उस बात का जी। तो माननीय हाई कोर्ट ने उस भर्ती को क्वेश्चन कर दिया फर्स्ट बेंच पे ही, और वो भी उस समय के जो सरकारी वकील थे वो अच्छी तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पैरवाई जो सरकार ने करनी चाहिए थी वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमारी भर्ती क्वेश हो गई। उसके बाद हम डबल बेंच में गए, वहाँ भी सेम डिसीज़न रख दिया गया
2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी अर्जी लगाई वहाँ पर, और वहाँ से हमारे को स्टे मिल के और आगे हमारा जो 7 साल है वो लगातार कंटिन्यू केस चलता रहा। उसमें तरह तरह की वही खामियां रखी गई पटिशनर्स की तरफ से कि ये उनका ये है, जिनका ये मामले हैं, ये मामले हैं, तो सभी वो सॉर्ट आउट कर दिए गए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी 8 को ही हमारा खिलाफ वो जो सेम डिसीजन था माननीय हाई कोर्ट का वो रख दिया गया, मगर उसमें स्पष्ट माननीय कोर्ट हमें अपनी रोजगार में रखना चाहती थी। उन्होंने जनवरी में अभी जनवरी 2020 में ही हरियाणा गवर्नमेंट से ये पूछा गया कि आपके पास अगर कोई वैकेंसी है, खाली वैकेंसी है हरियाणा में पीटीआईज की, तो हम इनको एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपका भी इनका जो पटिशनर है, इन्होंने भी 10 साल मेहनत की है, संघर्ष किया है, उनका भी रोज़गार बने रहे, और जो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं तो इनका भी रोज़गार बरकरार रहे। मगर उस टाइम गवर्नमेंट ने अपनी हमारी अच्छे से परवाही नहीं करते हुए स्पष्ट वहाँ पर अपना जो है हल्फनामा वो दायर कर दिया कि हमारे पास कोई पीटीआई की वैकेंसी नहीं है, इसको हमने डेड कैडर में कर दिया है, हमने इसको टीजीटी बना दिया है सर्विस रूल 2012 के अनुसार। जबकि बहुत से साथी हमारे जो हम पीटीआई से 1983 हम भी सीएनवी कैडर में आते थे, ठीक है ना, और बहुत से ऐसे ड्राइंग टीचर हैं, संस्कृत टीचर हैं, म्यूजिक वाले हैं, वो सब सारे के सारे टीजीटी में कन्वर्ट कर दिए, मगर बेनिफिट हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमारे को। तो काबिलियत के दम पे 2 साल पहले हमारे 400 टीचर अपने क्वालिफिकेशन अपने दम पे उन्होंने प्रमोशन हासिल की है। आज सरकारें जो बैठ के मीडिया में कह रही हैं, इनके जो कह रहे हैं इनके लोग कि आम समाज ने एक भ्रांति फैला दी कि ये फर्जी हैं, आपने हमारी 4-4 बार डॉक्यूमेंट्स पहले भी वेरिफिकेशन हुई है, और जब हमारी प्रमोशन की गई, हमारी जहाँ से हमने जिस यूनिवर्सिटी से हमने अपना डिप्लोमा डिग्री कर रखी थी वहाँ उन्होंने वेरिफिकेशन की, प्रमोशन के दौरान भी वेरिफिकेशन अच्छे से की है इसी सरकार ने, मगर कोई वहाँ पर हमारा कोई फॉल्ट नहीं निकला, और लगभग हमारे 400 साथी इस भर्ती में से अपने काबिलियत के दम पे प्रमोशन भी ले गए। अब देखो इसमें कैंडिडेट कहाँ दोषी है। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ नेताओं का भी कहना है, और कुछ कार्यकर्ता जो आजकल सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जो कुछ अपने कैंडिडेट थे जो पीटीआई के, उन्होंने जब तक एग्ज़ाम हुआ या एग्ज़ाम के बाद भर्ती के रिजल्ट आने के बाद उनके पास जब जांच हुई तो उनके पास 10वीं 12वीं के ऐसे सर्टिफिकेट थे जो बाद में किए गए, उनकी क्वालिफिकेशन बाद में पूरी हुई है। देखिए, मैं पहले भी इस बात को हमारे साथी और मैं खुद इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब जब हमारा किसी डिप्लोमे में, सपोज करो CPED कोर्स है, DPED है या MPED है, जब तक हम पिछली क्वालिफिकेशन, हमारी जो पढ़ाई है, जैसे 10वीं के बेस पे हमारी CPED होती थी, जब तक हम 10वीं नहीं करते तो हमें कौन सी यूनिवर्सिटी हम एडमिशन दे देगी। जबकि ये 10वीं के बाद है, कुछ समय आया था कि वो +2 के बाद CPED का कोर्स करवाया गया था, तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो हमें बिना 10वीं और बिना 10+2 के हमें एडमिशन दे देगी। उसमें होता क्या कि पहले एक पेपर अगर किसी का रह जाता था तो यूनिवर्सिटी क्या थी, जब हमारी 10वीं क्लास की हमारा जो बोर्ड था, 10वीं क्लास में जब अगर किसी मैथ या किसी एक सब्जेक्ट में रह गया तो वो पास की उसको मार्क लिस्ट दे दी जाती थी। अगर उस मार्क लिस्ट पास की दे दी तो उन्होंने CPED कोर्स कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट कर लिया। इम्प्रूवमेंट तो आप 4 साल के बाद, 3 साल के बाद जबरदस्त मर्जी कर सकते हो किसी बोर्ड से। अगर आप डिग्री क्लासेज है आपकी तो यूनिवर्सिटी से आप अपनी फीस एक्स्ट्रा भर के आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, और बहुत से लोग करते हैं, आज भी हम कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट। तो वो जो मार्क लिस्ट इम्प्रूवमेंट की थी, जो उनका रिजल्ट आया, वो उन्होंने बोर्ड में वापस जमा करवा दी कि आज हमारे ये है जी। जैसे कोई बाद में BEd करता है तो हमें अपनी सर्विस बुक में BEd की डिग्री है, या कोई हम मास्टर डिग्री करते हैं वो हम अपनी सर्विस बुक में उसको चढ़वाते हैं। तो इसमें ये समझने वाली बात है, ये वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं हमारे खिलाफ जिन्होंने इन चीज़ों से अनटच है, जिनका पता ही नहीं है, इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है किसी प्रकार का। इम्प्रूवमेंट की आपने बात की, कई खामियां चलो लोग बताते हैं, जैसे भी वो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। अब आपका कहना है कि इसमें जो मौजूदा सरकार है उसकी बहुत बड़ी खामी है, तो हम ये इसमें जो BJP सरकार है जो मौजूदा में है, गठबंधन सरकार है उसमें दुष्यंत चौटाला है, उनका कहना है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट से आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको हमने मान्य करना है, और उस सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको हम मान्य कर रहे हैं भी, हमारा इस सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब सरकारी
हो जाता है ना कर्मचारी, वो सरकार का हिस्सा होता है जी। सरकार को रिप्रेजेंट करता है जी। कोई माननीय मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जितनी भी योजनाएं होती हैं वो कर्मचारी के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाती है जी। तो इसमें सरकार कौन हुई? सरकार कर्मचारी हुई। तो अगर जो नुमाइंदे आज रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हमारी आवाज़ उठानी चाहिए। और रही आपने सवाल किया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत से डिसीजन हैं जो आज तक वो मतलब लागू नहीं हुए हैं। समान वेतन हमारा जो आज तक 2016 में वो आज तक नहीं मिला हमारे को, SYUL का वो नहीं आज हमारे को मिला। जो हमारा जो था कैडर हमारा उसकी नहीं हमारे को बेनिफिट मिला अब तक। और रही बात अभी रिसेंटली अभी माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भी आप 5 महीने के अंदर JBT की वैकेंसी निकालो। आज उसको 1 साल हो गया उन बातों को, कहाँ निकाल दी एडवर्टाइजमेंट। वो एस्टेट वालों ने वहाँ पर केस दायर किया था कि भी हमारा एस्टेट है उसके जो समय है वो कार्य पूरा होता जा रहा है तो हमारी वैकेंसी निकाल ले। आज 6 साल हो गए कोई वैकेंसी नहीं है, फिर उनका एस्टेट भी 2 साल और बढ़ा दिया तो निकाल दी वैकेंसी माननीय हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया तो निकाल ली वैकेंसी। आज तक कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये हमारे सिर्फ हमारे को ही दरकिरार करने के लिए, हमारे को सड़कों पे करने के लिए राजनीतिक द्वेष है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि जो हुड्डा का कार्यकाल में जब आप लोगों की भर्ती हुई तो उसके अंदर लगभग 1000 जो लोग थे, 1000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी थे या कहें कि PTI टीचर थे, वो रोहतक, झज्जर और सोनीपत के लगे। ऐसा विपक्ष का भी कहना है, काफ़ी लोगों का कहना है, जो सरकार के नुमाइंदे मान सकते हैं उनको या फिर जो कार्यकर्ता मान सकते हैं उनका कहना है, जब उनसे बातचीत हुई मेरी, ये सरासर गलत है, ये सरासर झूठ है। आप कैथल की इस पवित्र भूमि पर खड़े हो, कपिस्थल की भूमि पर खड़े हो आप, यहाँ पर हमारे 86 कैंडिडेट लगे, 86 कैंडिडेट कैथल से लगे हैं और लगभग 78 करनाल से लगे हैं, ठीक है ना, और कुरुक्षेत्र से लगे हैं 66 कुरुक्षेत्र से लगे हैं, ऐसे अम्बाला से लगे हैं, ऐसे 68 लोग यमुनानगर से लगे हैं। तो कौन कह देता है ये बात है कि भी रोहतक होने की वजह से, CM सिटी होने की वजह से वहाँ के लगे, ये सरासर झूठ है। तो क्या ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं? ये सारी अफवाहें हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। हम खड़े हैं, ये बैठे हमारे साथी 86 लोग, हम कैथल से लगे हुए। पिछली जब कांग्रेस का कार्यकाल था 2014 से पहले, तो उस समय तक आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो उस समय की सरकार थी, ये भी हमारे दर्शकों को बताया कि उस सरकार ने किस प्रकार से आपका सपोर्ट किया इस भर्ती को कंटिन्यू करने के लिए। देखिए, हम किसी सरकार पे नहीं जाते कि पिछली सरकार ने क्या किया, इसने क्या किया। हम पिछली सरकार की भी कहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट से हम केस हार गए थे जी। उस टाइम हमारे को क्या था, हमारे को डबल बेंच में हम चले गए, वहाँ स्टे मिल गया, हमारी जॉब कंटिन्यू चलती रही। डबल बेंच से आ गए सुप्रीम कोर्ट में, हमारे को स्टे मिल गया तो वो भी हमारी मतलब है कंटिन्यू चलती रही। मगर पिछली सरकार की अगर बात करें तो हमारे को रिलीव थोड़ी किया था उन्होंने, हमारे को रिलीव नहीं किया था, जबकि हम फर्स्ट बेंच पे भी हार गए थे, सेकंड बेंच पर भी हार गए थे। आपने स्टे लिया? हम स्टे के बाद हमारी जो जॉब है वो कंटिन्यू चलती रही। और इन्होंने तो 1 महीना भी इंतज़ार नहीं किया, हमारे खिलाफ एडवर्टाइजमेंट निकाल दी। और जब हम इनकी रिलीविंग होने के बाद हम अपने माननीय हाई कोर्ट में हम स्टे के लिए चले गए कि इस रिलीविंग के आगे हम स्टे लेते हैं, तो इनके डबल AG ने स्पष्ट जाके कह दिया कि इनका तो वर्कलोड ही नहीं है जी। ठीक है ना, वर्कलोड नहीं है, ये बात इन्होंने स्पोर्ट में नहीं थे कि यहाँ की बिल्कुल AG थे, बिल्कुल जो भी सरकार के द्वारा वहाँ पर भेजे गए हुए थे, उन्होंने इतना ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स हमारे खिलाफ किया कि हमारे को लगा कि सरकार हमारे पक्ष में नहीं है। और 1.5 महीने से हम हर MLA मिनिस्टर के पास दरवाजे पे चौखट पे गए हैं, उन्होंने भी बोला, हमारे को आश्वासन दिया कि बीच का रास्ता निकाल रहा है, मगर जब हमारे को रिलीव कर दिया गया और हमारे को वहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट्स अपनी आंखों से देखी और सारी सुनी, तो हमारे को उसमें सरकार का कहीं भी 1% ये नहीं लगा कि सरकार हमारे पक्ष में है और हमारे को बचाव करने के लिए। आपने यहाँ पर जब शिक्षा मंत्री आए थे उनका घेराव भी किया था, काफ़ी आपके जो अध्यापक थे PTI उनको चोटें भी लगी थी, उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, यहाँ के लोकल विधायक से भी आपने मुलाकात की, और क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सरकार की तरफ से या सरकार के नुमाइंदों की तरफ से? देखिए, हम शिक्षा मंत्री के पर्सनली विरोध में नहीं है, पर्सनली हम उस शेयर के विरोध में जी, ठीक है ना। कंवरपाल जी हमारे माननीय हैं, आदरणीय हैं हमारे जी, ठीक है ना, हम शेयर का विरोध कर रहे हैं इस तरह, हम पर्सनली नहीं किसी पे जा रहे हैं। अगर आज हम यहाँ पर खड़े होकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं तो हम सरकार के खिलाफ नारे, ना कि इंडिविजुअल पर्सन के किसी के, ये चीज़ समझनी चाहिए, ये द्वेष नहीं रखना चाहिए। हमने शिक्षा मंत्री के सामने, हमारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए थे, वो अपनी बात रखना चाहते थे, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कोई अच्छा आश्वासन नहीं दिया और जिससे हमारे को खाली हाथ लौटना पड़ा।
वहाँ पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अभी पीछे बयान दिया था कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी, कौन लोग आरोपी थे, किन की वजह से ये जो भर्ती के कारण पीटीआई जो अध्यापक है उनको सड़कों पर आना पड़ा। आप दुष्यंत चौटाला के इस फैसले का या फिर इस बयान का किस प्रकार देखते हैं? देखिए, वो हमारे माननीय डिप्टी सीएम हैं, आज पावर में हैं, वो कुछ भी बयान करते हैं तो लोग उसको सुनते भी हैं, मगर हमारे केस में हमने 3-4 बार उनसे गुहार लगा चुके हैं, तो अल्टीमेटली वो इस तरीके से बयान देते हैं कि भी उनके खिलाफ़ एफआईआर करवा दो। तो एफआईआर हम कौन होते हैं करवाने वाले, आप पावर में हो, आप करवाइए। बहुत से आपके पास पैनल है, एडवोकेट हैं आपके पास, पूरा पैनल है, आज एजी डबल एजी सब आपके हैं, आप करवाइए उनके खिलाफ़। हम निर्दोष हैं, हमारी गलती बताइए आप, ठीक है ना। हम कौन होते हैं किसी पे केस करने वाले, हम तो भुगतभोगी हैं। पिछली सरकार में बोर्ड ने हमारे साथ चीटिंग की, जिसकी सज़ा आज हमारे को मिल रही है। आपसे उम्मीद थी, आज पावर में है कर्मचारी, तो जो मौजूदा सरकार होती है उसके सामने अपने दुखड़े रोता है जी। अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपके साथ बहुत सारे संगठन है, किसान संगठन है या फिर जो पुलिस एसोसिएशन का संगठन है, काफ़ी सारे जो हरियाणा के संगठन हैं, कर्मचारी संगठन हैं, वो आपके समर्थन में आगे आपके यहाँ पे धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ खड़े भी हैं। कब तक ये चलेगा और कितना इसको मानते हैं सफल हो पाएगा ये आपका जो प्रदर्शन? देखिए, हमारे पास, हमने रिक्वेस्ट मोड में सरकार से बात की है जी, बहुत 1.5 महीना हो गया हमारे को, लगभग 2 महीने तो हो ही गए हैं सड़कों पे फिरते हुए, हाथ भी जोड़े पाँव भी पकड़े। तो अब हमारे पास केवल एक आंदोलन का रास्ता बचा था, जो कि आज हमारे आंदोलन का जो कर्मिक अनशन है पूरे हरियाणा में, सचिवालय में हमारे साथी बैठे हुए हैं और धीरे धीरे बहुत सी यूनियन, चाहे वो कर्मचारी यूनियन है, सर्व कर्मचारी संघ है, रोडवेज की यूनियन है, या आप हमारे अध्यापक संघ है, प्राथमिक संघ है, या अब तो हमारे साथ जो सामाजिक संगठन है, ठीक है ना, कोई आज कल हमारे पास लगभग 6 कुरुक्षेत्र धर्मशाला में, चाहे वो किसी भी कास्ट से संबंधित धर्मशाला हो, उन्होंने हमारे को लगभग 8 धर्मशाला के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने आके हमारे को समर्थन दिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज। और आज हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं राज्य स्तर के, तो वो आए और उन्होंने पूरा समर्थन दिया हमारे को कि हम आपकी लड़ाई है, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है हम उनके बच्चे हैं जी। अगर वो हमारे बारे में नहीं सोचेगा कौन सोचेगा। और हम तो सरकार से भी यही गुहार लगाते हैं कि जल्दी हमारे रोजगार को सुरक्षित करें, ठीक है ना। अगर हमारे दोषी हैं तो हमारे को सजा दीजिए, जब हम निर्दोष हैं तो किसके आगे रोएंगे? आगे का क्या प्लान है आपका? अंतिम सवाल ये है कि अगर मान लो सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, ये आंदोलन और स्पीड से बढ़ेगा जी, और हम अपने रोज़गार को लेके रहेंगे, या तो हमारी जान जाएगी जी, या हमारे को रोज़गार मिलेगा, इनमें से एक होगा। और वो कब होगा वो हम कह नहीं सकते, हम उस राह पे चल पड़े हैं, क्योंकि जब हमारा रोज़गार ही नहीं रहा तो हमारे पास रह क्या गया? हमारे सारे जुझारू साथी, संघर्षशील साथी, सभी से डिस्कस इंडिविजुअल भी होता है, सभी बैठ के कॉमन भी करते हैं, सभी एक ही बात करते हैं कि हमारे पास अभी कुछ नहीं रहा। आप भी समझ सकते हो, नौकरी में आने के बाद एक आध इंसान अपना सिक्योर हो जाता है, सिक्योरिटी मिल जाती है, जो भाई गवर्नमेंट में ही मानते थे कि भाई गवर्नमेंट जॉब जिसकी लगी तो वो एक रोज़गार सुरक्षित है, मगर आज कहाँ पर सुरक्षित मान रहे हो आप इसको? आप हज़ारों, आज देख लियो आप 1983 हमारे जो लोग हैं सड़कों पे फिर रहे हैं बेचारे, 20-20, 30-30 लाख रुपए का लोन ले रखा है, घर बना रखे हैं, शहरों में बैठे हैं। अब वो उस लोन की ईएमआई भरेंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, उनकी पढ़ाई कराएंगे, कहाँ से क्या होगा? हम तो बिल्कुल ही मतलब मानसिक और सामाजिक तौर पर वैसे भी हम तो टूट चुके हैं। तो ये थे राजेश जी, और राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और एक पीटीआई टीचर जो अध्यापिका हैं उनका नाम जानने की कोशिश करते हैं, उन पास बातचीत करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो क्षेत्र था उसके अंदर काफ़ी, जो ये 10 साल का कार्यकाल रहा इनके अंदर काफ़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। तो क्या नाम है? सर, मेरा नाम सविता मलिक है, मैं गवर्नमेंट जी SSS मुंदड़ी से हूँ। मैं एज ए TGT प्रमोट हुई थी अब 11 सितंबर 2017 को, और इसी सरकार ने मुझे प्रमोटेड किया था। और जहाँ तक मेरे रेफरेंस देने की बात है, तो मैं खुद जब ये भर्ती की ना, तब उस टाइम क्वालिफिकेशन होती थी PTI के लिए, शायद मेरे ख्याल से 10th क्लास की जी। और हमने 10th किया, +2 किया, BA किया, DPED किया, MPED किया, MPhil की, PhD की है मैंने खुद। आपकी PhD हो चुकी है? मेरी PhD हो चुकी है और मैं नेट भी क्वालिफाई हूँ और मैं इसी पोस्ट पे हूँ। तो ये बात हो, मेंटली प्रेशर सरकार ने एकदम से ऐसे निकाल दिया हमारे पास, अब कह रही हमें एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम भी कहाँ से दें। और जहाँ तक अचीवमेंट्स की बात आती है, मेरे पास ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट में
पिछले साल 2019 में। अब की बार तो कोरोना महामारी की वजह से नहीं हुए टूर्नामेंट, लेकिन मेरी अब की बार भी मैं स्टेट लेवल पे फर्स्ट थी। अब पिछले बार ऑल इंडिया लेवल में सिर्फ हरियाणा में ट्रैक इवेंट का मेरा ही 100 मीटर में मेडल है जी। बाकी आज तक का पूरे हरियाणा में कोई मेडल नहीं है सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट में, एथलेटिक्स में। और जहाँ बात आती है अपने ऑल इंडिया से यूनिवर्सिटी पे भी मैंने 2 मेडल और B1 मेरा ग्रेड है जी। तो उनकी बिहार पे सरकार ने क्वालिफिकेशंस को देखते हुए कह रहे हैं भी नॉन क्वालिफिकेशन है, ये है वो है, ये तो सब वायद बातें हैं जी। और मेरे पास जहाँ वर्कलोड की हमारी बात आती है तो मैं वर्कलोड भी बताती हूँ अपने स्कूल का। मेरे पास मिड डे मील था स्कूल में, 6 to 7, 8 तक का हमारा सारा जो फंड होते हैं, 2 फंड और संभाल रखे थे, स्पोर्ट्स फंड है, स्टॉक रजिस्टर्स के फंड है अदर। और कहाँ ड्यूटी दी आप? जी TSS मुंदड़ी में सर, 9 से 12 तक के 72 बच्चे मेरे पास फिजिकल के थे जी। तो यह जो धरना प्रदर्शन करने आए हुए हैं सभी कैथल के ही हैं? बिल्कुल सब कैथल के ही हैं सर। ठीक है, कितने टीचर अभी धरने में बैठे हुए हैं या फिर कितने टीचर हैं यहाँ के? 85 हैं सर। 85 टीचर? हाँ सर। तो ये थे PTI टीचर जिन्होंने अपनी जो समस्या है हमारे सामने रखी है और सरकार को और जनता को अपना पूरा मामला समझाने की कोशिश की है। बात अब ये आती है कि योग्यता की बात आती है तो PhD होल्डर जो PhD किए हुए टीचर हैं और TGT तक पास किए हुए, काफ़ी अच्छा स्टडी करने के बाद भी योग्यता की अगर बात करते हैं तो काफ़ी आगे जा चुके हैं। अब देखने वाली बात हो ये होगी कि सरकार इनके जो धरने प्रदर्शन है, इनके जो बातचीत चल रही है, जो इनके जो भी इनका PTI का मामला है उसको सरकार किस प्रकार देखती है, और अगर इन सरकार इनको लगाती है तो किस क्या क्राइटेरिया इनके लिए रखा जाएगा और क्या इनकी मांगों को सरकार पूरा करेगी, ये देखने वाले विषय की बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।